नेपाल में थप एक जने कोरोना के मरीज मिलल। सिंह दरबारा गाड़ी चिनिया नागरिक प्रहरी बीच झड़प। विश्वभर में कोरोना से जान गए वाले की संख्या 2,70,000 के पार। 39,12,000 से ज्यादा संक्रमित। सरलाही में सुरत नाक खुलल। करीब 18 लाख सहित 2 भारतीय नागरिक पकड़ाई। 12 में COVID-19 आ अन्य विपद के सूचना के खातिर हॉटलाइन नंबर सुचारू। आ भारत में रेल से किचैला पर सुरम मजदूर के मृत्यु। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूरआलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। नेपालगंज में थप एक जने में कोरोना संक्रमित के पुष्टि भइल बाटे। भेरी अस्पताल नेपालगंज में परीक्षण कैला पर 16 वर्ष के पुरुष में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइले। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा जानकारी दिले बानी। स्वदेश फिरता होके के मांग करत सिंह दरबार में धरना देवे गए चीनिया नागरिक प्रहरी बीच झड़प भइल बाटे। बिना कोनो जानकारी लॉकडाउन के निषेधित क्षेत्र तोड़ला बाद प्रहरी से नियंत्रण में लेवे के खोजे के क्रम में झड़प भइल बाटे। उ क्रम में 33 जने 9 चीनिया नागरिक पकड़ाऊ पड़ल बानी। चीनिया नागरिक प्रहरी बीच भइल घमसाघमसी में महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंह दरबार के DSP हरिबहादुर बस्नेत, एक जने महिला प्रहरी आ चीनिया नागरिक तरफ 3 जने घायल भइल बानी। घायल सबके DSP बस्नेत के प्रहरी अस्पताल आ महिला प्रहरी के ट्रामा सेंटर में इलाज हो रहा जनाओल गेल बाटे। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा के सांसद तथा कर्मचारी सब के COVID-19 के स्वाब परीक्षण के रिपोर्ट नेगेटिव आयल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय EPDEMIOLOGY तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के निर्देशक डॉक्टर वासुदेव पांडे से काल परीक्षण कल गए सभी 440 जने के रिपोर्ट निगेटिव आयल जानकारी देनी। उमधे 212 सांसद आ बाकी सांसद सचिवालय के कर्मचारी लोग बानी। उ लोग सभी के सांसद भवन नया बनेश्वर में स्वाब संकलन करके PCR परीक्षण कल गए रहे। आज से नया मोडलिटी के लॉकडाउन शुरू भइल बाटे। सरकार से संचालन करे देवे वाला आ ना देवे वाला क्षेत्र सब के सूची समेत जारी कल गेल बाटे। सरकार से कोरोना वायरस के संभावित जोखिम से बचे के खातिर जेठ 5 गते तक लॉकडाउन के अवधि कायम कैला पर भी विकास निर्माण के काम खुला करे के निर्णय कैले बाटे। सरकार के ई निर्णय संघीय यातायात बाजार आ शिक्षण संस्था बाहेक सभी उद्योग धंधा आ कल कारखाना खुले वाला भइल बा। लॉकडाउन के अवधि में दवाई स्वास्थ्य सामग्री जैसन अति आवश्यक चीज के उत्पादन तथा बिक्री वितरण खाद्य कृषि जन्य पशु जन्य उत्पादन तथा बिक्री वितरण औद्योगिक चीज के उत्पादन तथा बिक्री वितरण कर दे वाला भइल बाटे। साथे विकास योजना संचालन के खातिर आवश्यक पड़े वाला पत्थर गिटी आ बालू लगात के निर्माण सामग्री के ढुवानी भी कर सके वाला भइल बा। विश्व में महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण से जान गए वाला के संख्या 2,70,349 पुगल बाटे। बीतल 24 घंटा में 5,512 जने की मृत्यु भई बाटे। आज सवेरे तक 39,12,326 जने में कोरोना के संक्रमण देखल गए बाटे। एक दिन 94,944 नया संक्रमित मिलल बा। संक्रमित मध्य 13,40,568 जने इलाज बाद ठीक भी भइल बानी। रोगी रहल 23,01,409 जने के विभिन्न अस्पताल में इलाज चल रहा बाटे। इलाजरत मध्य 48,958 जने के अवस्था गंभीर रहा बाटे। ऐसे ही यूरोपियन मुलुक में कोरोना संक्रमित के संख्या 15,53,699 पुगल बाटे। एक दिन 28,759 जने में नया संक्रमण देखल गेल बाटे। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस से संक्रमित मध्य थप 8 जने आज सवेरे डिस्चार्ज भइल बानी। विराटनगर स्थित कोसी अस्पताल में भर्ना कल गेल मध्य 8 जने कोरोना से ठीक होके डिस्चार्ज भइल बानी। उ लोग के 2 बेर के स्वाब परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव आइला बाद डिस्चार्ज कल गेल। प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री जीवन घिमरे जानकारी दिले बानी। डिस्चार्ज होके वाला में 7 नेपाली आ 1 जने भारतीय नागरिक रहल बानी। प्रदेश नंबर 2 सरकार कोरोना रोकथाम नियंत्रण तथा इलाज के खातिर 2 अरब खर्च करे वाला भइल बाटे। कोरोना रोकथाम नियंत्रण तथा इलाज के खातिर आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय से 2 अरब रकम निकासा कल गेल बाटे। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 में प्रदेश सरकार से 38,72,56,61,000 बजट विनियोजन कैले रहे, जेमे कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण प्रयोजन के खातिर 2 अरब निकासा भइल आ
उक्त रकम खर्च हो रहा आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय के सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ जानकारी देले बानी। सचिव श्रेष्ठ के अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण में खर्च करेला सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत ₹86 करोड़ आ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के ₹10 करोड़ 45 लाख भेजल गई बाटे। ऐसे ही लॉकडाउन प्रभावित के राहत बांटे ला उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्रालय के ₹33 करोड़ 70 लाख आ भूमि व्यवस्था तथा कृषि मंत्रालय के ₹36 करोड़ निकासा कल गई बाटे। ऐसा ही भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के ₹1 करोड़ तथा भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय अंतर्गत के 4 गो डिवीजन के ₹25-25 लाख के दर से पैसा भेजल गए सचिव श्रेष्ठ बतैले बानी। एकरा बाहेक प्रदेश सरकार से स्थापना कल गई COVID-19 कोष में ₹25 करोड़ आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय जनैले बाटे। सरलाही से स्रोत न खुलल अवैध रुपया सहित दू जने भारतीय नागरिक पकड़ाव पड़ल बाटे। सरलाही के मलंगवा नगर पालिका 2 स्थित भंसार चेक पोस्ट से करीब 17,90,000 रुपया सहित सशस्त्र प्रहरी से दू जने के पकड़ाव कल गेल बाटे। पकड़ाव पड़े वाला में भारत के पतनपुर घर बताए वाला 42 वर्षीय राम ललित मंडल आ 33 वर्ष के नीरज कुमार रहल बानी। भारत से नेपाल तरफ आ रहल उ लोग के सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जिला सुरक्षा बेस सरलाही से खटल APF टोली से शंका लगला पर जांच कैला से उ लोग के साथ में उक्त नेपाली रुपया मिलला बाद पकड़ाव कल गेल रहे। परसा में ठनका लाके एक लड़की के मृत्यु भइल बाटे। परसा के जगन्नाथपुर गांव पालिका 2 पांडेपुर में स्थानीय राजू शाह के 6 वर्षीय बेटी उषा कुमारी शाह के मृत्यु भइल बाटे। काल सवेरे तेज आंधी सहित मेघ गरज के पानी पड़ल समय में उषा बेहोश भइल रहनी। उषा के देह में कोनो चोट पटक न देखला पर भी उनकर मृत्यु ठनका लाके भइल हो सके के अनुमान प्रहरी के रहल बाटे। विश्वव्यापी महामारी बनल कोरोना वायरस COVID-19 आ अन्य विपद के संबंध में प्रशासन के सहज रूप में सूचना देवे के खातिर 12 में हॉटलाइन नंबर सुचारू कल गेल बाटे। जीतपुर सिमरा महानगर पालिका के सहयोग में 1148 नंबर के हॉटलाइन नंबर सुचारू कल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविंद पुरी जानकारी देनी। अपन गाँव समाज में घटल कोनो भी घटना दुर्घटना आ अन्य सूचना बारे प्रशासन के जानकारी कराए वाला सहज होखो कह के उद्देश्य से उक्त नंबर संचालन में लिया गई प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरी बतैनी। 24 घंटा खुला रहा हॉटलाइन नंबर में जिला भर रहल नेपाल टेलीकॉम के कोनो भी ग्राहक से निःशुल्क संपर्क कैल जा सकता। भारत में कोरोना संक्रमण से एक दिन 103 जने की मृत्यु भइल बाटे। इस संगे भारत में कोरोना से मृत्यु होखल के संख्या 1,886 पुगल ओतहा के स्वास्थ्य मंत्रालय जनैले बा। संक्रमित के संख्या 56,342 पुगल बाटे। बीतल 24 घंटा में 3,390 जने नया संक्रमित मिलल बा। गत 24 घंटा में भारत में 1,273 जने ठीक होके डिस्चार्ज भी भइल बानी। इस संगे ठीक होखे वाला के संख्या 16,539 पुगल बा। आज सवेरे भारत में रेल से किचला पर 16 मजदूर के मृत्यु भइल बाटे। बाकी 5 जने घायल भइल बानी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज सवेरे 5:30 बजे रेल से किचला पर 16 अप्रवासी मजदूर के मृत्यु भइल BBC जनैले बाटे। वो मजदूर रेल के लीक में सुत रहल बेरिया रेल से किचल बतावल गेल बा। घायल मध्य 5 जने के औरंगाबाद स्थित सिविल अस्पताल में भर्ना कल गेल बाटे। दक्षिण मध्य रेलवे के प्रमुख PRO से BBC से बातचीत करत रेल दुर्घटना में 16 मजदूर के मृत्यु भइल आ 5 जने घायल भइल पुष्टि कइले बानी। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 MHz द्वारा मापन कल गए अनुसार सिमरौनगढ़ लगात आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 32 दोपहरिया 37 डिग्री सेल्सियस रहल रहे तो आज रात में 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कल गए बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:21 पर बेर उगल रहे तो सचिया 6:42 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। नेपाल में थप एक जने कोरोना के मरीज मिलल। सिंह दरबारा गाड़ी चीनिया नागरिक के प्रहरी बीच झड़प। विश्व भर में कोरोना से जान गए वाला के संख्या 2,70,000 के पार। 39,12,000 से ज्यादा संक्रमित। सरलाही में स्रोत नाक खुलल। करीब 18 लाख सहित 2 भारतीय नागरिक पकड़ाई। 12 में COVID-19 आ अन्य विपद के सूचना के खातिर हॉटलाइन नंबर सुचारू। आ भारत में रेल से किचैला पर 16 मजदूर के मृत्यु। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 MHz तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सईद हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।